नागवार रामाराव नारायण मूर्ति, जो कि नारायण मूर्ति के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय आईटी उद्योग के उद्योगपति और इंफोसिस के सह संस्थापक हैं। नारायण मूर्ति विदेशों में भारतीय कंपनियों का झंडा ऊंचा करने में एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। चलिए जाने इंफोसिस को फाउंडर नागवार रामाराव नारायण मूर्ति के बारे में। नारायण मूर्ति का प्रारंभिक जीवन। नारायण मूर्ति बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली छात्र थे। वे कोई भी प्रश्न पत्र चुटकियों में हल कर देते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक सरकारी स्कूल से पूरी की। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर में प्रवेश लिया और परीक्षा दी, जिसमें उन्हें छात्रवृत्ति के साथ प्रवेश की मंजूरी दे दी गई। लेकिन छात्रवृत्ति से शिक्षा का खर्च पूरा न होने के कारण अपने पिताजी की सलाह पर उन्होंने एक स्थानीय इंजीनियरिंग कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया और वर्ष 1967 में वहाँ से बीटेक की स्नातक डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1969 में आईआईटी कानपुर से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। नारायण मूर्ति का निजी जीवन। नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति एक लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे इंफोसिस फाउंडेशन के माध्यम से परोपकारी कार्य करती हैं। उनके एक बेटी अक्षता मूर्ति और एक बेटा रोहन मूर्ति हैं। रोहन 1 जून 2013 को इंफोसिस में शामिल हुए। उनकी बेटी अक्षता का विवाह ब्रिटेन के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के साथ हुआ है। नारायण मूर्ति के करियर की शुरुआत। नारायण मूर्ति को अपनी मास्टर्स की डिग्री की शिक्षा लेते वक्त ही HMT, टेलको, एयर इंडिया जैसी कंपनी से उच्च वेतन पर नौकरी के मौके मिले। लेकिन उन्होंने अपने करियर की शुरुआत IIM अहमदाबाद में एक प्रमुख सिस्टम प्रोग्रामर के तौर पर मात्र 800 रुपये मासिक वेतन पर की। वहाँ पर रोज वे लगभग 20 घंटे काम किया करते थे। अपनी नौकरी के दौरान उन्होंने एक टाइम शेयरिंग कंप्यूटर प्रणाली स्थापित करने का काम किया। इसके बाद 1970 के दशक में उन्होंने कुछ वर्ष पेरिस में रहकर विदेशों में कार्य किया। इसके बाद वो भारत लौटे और अपनी सॉफ्ट्रॉनिक नामक कंपनी की शुरुआत की, जो जल्द ही बंद हो गई, जिसके बाद उन्होंने पुणे में पटनी कंप्यूटर सिस्टम में नौकरी शुरू की। इंफोसिस की स्थापना। पटनी कंप्यूटर सिस्टम में नौकरी के दौरान नारायण मूर्ति की मुलाकात नंदन निलेकड़ी और कई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल से हुई, जिनके साथ उन्होंने वर्ष 1981 में अपनी पत्नी से 10,000 रुपये उधार लेकर इंफोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और शुरुआत की। उन्हें वर्ष 1981 में कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया और इस तरह वो वर्ष 2002 तक इस पद पर बने रहे। वे कंपनी के इस पद पर पूरे 21 वर्षों तक रहे, जिसमें उन्होंने भारतीय आईटी के विकास के लिए वैश्विक स्तर पर चलने वाले मॉडल्स का निर्माण किया और अपने नेतृत्व में एक छोटी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को दुनिया की बड़ी कंपनीज के समकक्ष खड़ा कर दिया। यही नहीं, वर्ष 1991 में उनकी कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील हो गई। वर्ष 2002 से कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार नंदन निलेकड़ी को मिला। इसके बाद भी NR नारायण मूर्ति 2002 से लेकर 2006 तक बोर्ड के अध्यक्ष रहे और फिर बोर्ड और मुख्य सलाहकार समिति के भी चेयरमैन बने। इसके बाद अगस्त 2011 में उन्होंने कंपनी के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष के तौर पर कंपनी से अवकाश ले लिया। बाद में उन्होंने फिर से वर्ष 2013 में कार्यकारी अध्यक्ष और अतिरिक्त निदेशक के रूप में इंफोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में वापसी की और फिर 14 जून 2014 को इस पद को फिर से हमेशा के लिए छोड़ दिया। NR नारायण मूर्ति को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए पद्मश्री समेत कई राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और औद्योगिक सम्मान भी मिले हैं। हम आशा करते हैं कि आपको NR नारायण मूर्ति की प्रेरणादायक सफलता की कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।